अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? सुबह बखैर। एक मिनट अंतर बना दो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और मॉर्निंग के साथ और एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और मैं जैसे बोली उसने आके खोल ली। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने लगी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हाँ, हमारे वीडियो को आज बिल्कुल स्किप स्किप मत नहीं करना। कीजिए। और जो कल की वीडियो थी उस पर हम लोगों ने पूछा था कि हमारी बेबी की आईज कलर्ड हैं या नहीं और नोज किस पे गया है। बहुत से लोगों ने आंसर दिया, उनमें से आप कहते हैं कि खालसा कितने परसेंट लोगों का आंसर सही है? मेरे ख्याल में 70% लोगों का। 70% लोगों का आंसर सही है। उनके नेम हम अनाउंस करेंगे इस वीडियो में, नहीं नेक्स्ट में, ठीक है? और उसके अलावा आज हम बेबी का नेम रिवील करेंगे। मतलब खालसा बताएं, रिवील करेंगे आज? बिल्कुल रिवील करेंगे जी, लेकिन वीडियो के अंदर किसी भी टाइम हम अपने बेबी का नाम रिवील कर देंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखते हैं कि नहीं। नहीं, और अभी मैं कह रही हूँ ना करना करना। आपको ये होगा कि जब हम नाम रिवील करेंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर नाम बताना है, क्या और आपने ये क्या भी नेम बोला है, ठीक जी। है? और नेम आप कह दें, हम रिवील कर रहे हैं, डिसाइड हो चुके हैं। और वैसे भी डिसाइड हम दोनों नहीं करना। डिसाइड हम दोनों ने क्यों करना था, ये खालिद आपको असल में आप सबको जैसे कि बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो अल्लाह पाक ने 12 सालों बाद नवाजा है। इन 12 सालों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे, बहुत सारे लोगों के बच्चे हुए, बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे हुए। तो हम भी जहन में सोचते थे कि ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, यानी कि हम बताना चाहते थे। लेकिन डर के मारे हम बताते नहीं थे। क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरी बहुत सी सिस्टर्स ऐसी भी हैं, वो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो बीच में क्या बताया था उन्होंने कि इवन के कहीं बेबी होता है ना, तो बेबी होता है तो कुछ लोग तो उनको बेबी उठाने ही नहीं देते। खैर, इतना कुछ नहीं हुआ था, उठाने दे देते थे, लेकिन ये होता था कि वापस ले लेते थे। वो थोड़ी सी बंदे को दुख होता था। और नेम नहीं रखते थे, मतलब अगर हम लोग, जाहिर इंसान को पता चल जाता है ना कि उस इंसान का नेम कोई रखेगा या नहीं। और हम तड़पते रहते थे, यार ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए। तो इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आप लोगों से पूछा। हाँ, बहुत से लोगों ने वो नाम बताया था और बहुत से लोग उस नेम पे एग्री थे, तो देन हमने वो नेम रखा, ठीक है? और हमने नेम रख लिया है, मीन्स कि जब ये हाथ में आया था, हमने वो ने उसी नेम से इसको बुलाया था। और माशाल्लाह ना, नेम तो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ डिसाइड था। किया था, जस्ट आज हम वीडियो में रिवील करेंगे, ठीक है? और तब मैंने केक रस, और केक रस नहीं, रस, और साथ में ये क्या है, ब्लैक टी जो होती है वो ली हुई है, और बॉयल एग, अभी ये खाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि खालिद ने अभी कहा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉल आई थी कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो और अब बाद में हमें शायद टाइम मिले ना टाइम मिले, मिले ना तो मिले आज से हम लोग, बल्कि कल से ही हम लोग रेगुलर हो चुके हैं। हाँ, रेगुलर हो चुके हैं अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे हमारी वीडियो आएगी। आप लोगों ने करना यह है कि हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आप लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारा साथ आप लोगों ने नहीं छोड़ना, नहीं क्योंकि छोड़ना, आप लोगों के साथ की वजह से आज हम इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, सिर्फ आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं की वजह से। मैं सारी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत से सिस्टर्स मेरी पूछ रही थी आपकी अम्मी नहीं आई। तो मेरी अम्मी फर्स्ट डे हॉस्पिटल थी मेरे साथ, वहां से जब हम घर आए थे, मुझे घर में छोड़ा, सूप वगैरह जब खासा बाप ने और अम्मी ने बनाया था ना, जी सूप वगैरह बनाया, सब कुछ दे के फिर अम्मी वापस चले, मतलब रात को वो नहीं रोक करी, ठीक है? लेकिन पूरा दिन सिस्टर्स में से, कजन्स में से और खाला अम्मी, इनमें से कोई ना कोई इधर होता है। और फिर रात को 11 12, मेहमान आने वाले हैं, अभी कॉल आई अभी थी। कॉल आई थी कि आने वाले हैं, तो हमने सोचा जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में टाइम ये मिले ना बेगम मिले। साहिबा के मामू जी आने वाले हैं, ममानी जी, ममानी फूफी, और हमारी फूफी, फूफू और यानी मतलब, हम फूफी हमारी आने वाली हैं, हम दोनों की फूफी। हाँ, तो काफी गेस्ट आए, बहुत मजा आया, इतना एंजॉय किया, और उन्होंने फील करवाया कि उन्हें दिल से खुशी है। यही बात है ना खालसा, बिल्कुल। जो जो आए उनका मैं कल फूफी भी के, आपकी सिस्टर आई थी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वीडियो के और जरिए से। हाँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गेस्ट जितने भी आए। लोग आए थे वीडियो के जरिए से, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना पहले दिन चाहता हूँ। हॉस्पिटल में भाई भाभी, उनके बच्चे,
मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड वो आईएमए मस्कत से वो आए थे, उनका मतलब भी बहुत जो बहुत शुक्रिया शुक्रिया वीडियो के जो जो सातक आए से। फील हुआ हमें पता चला कि किस किस को हमारे बेबी की वजह से खुशी है, ठीक है, और जो नहीं आए उन्हें हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी अपनी मर्जी। और यहाँ पे भी हालांकि एक हम हॉस्पिटल में थे तो हमारे साथ में जो रूम था तो रूम वाले हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। यार मैं आप लोगों को बताती हूँ, मतलब रूम के साथ जो साथ रूम था ना, तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि इन्हें 12 साल बाद बेबी हुआ। आप यकीन जाने, मैं कहती हूँ कि अपनों से ना गैर बहुत अच्छे होते हैं, सीरियसली। और वो लोग आके पूछे यहाँ पे 12 साल बाद बेबी यहाँ पे हुआ है, 12 साल बाद बेबी यहाँ पे हुआ है, और वो देख रहे उसको और माशाल्लाह बोल रहे, और इतने एक्साइटेड थे। इवन के जब सुबह डिस्चार्ज होना शुरू हो गए थे ना, ऐसा ऐसा जब वो डिस्चार्ज हो रहे तो वो उनको मतलब वो मिल के हम लोग को प्यार सब मोहब्बत देख के दिल खुश हो गया हमें, आप लोगों बहुत का प्यार मोहब्बत देख के दिल खुश हो खुश गया। हो गया, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा। जो लोग हमें हमारे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि प्यार करने वाले हमारे साथ बहुत सारे बहुत लोग ज्यादा है, मौजूद हैं। बिल्कुल, और गिला शिकवा करने का फायदा भी नहीं है। और एक और बात, जो जो आए, जो रिलेटिव्स, जो मतलब जो भी आए हमें देखने के लिए, फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स मेरी जो आई हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और क्योंकि वो मेरी खुशी में शरीक हुई है, क्योंकि 12 साल बहुत लंबा अरसा है यार। और जो नहीं आए उनको कख भी नहीं कहती यार, तुम लोग हो ही सिखा भी, टाटा अल्लाह हाफिज। हर वक्त आप ऐसे ही होते हैं ना, हर वक्त मुट्ठी बनाई होती है। मुक्का मारेगा सबको है। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह अभी तो बाहर भी गए थे हम लोग इसे लेके। हाँ पता है, एक्चुअली होता है ना, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कुछ बेबीज होते हैं जिनको ये कान बोलते हैं, आई थिंक सो, वो हो जाता है। तो कहते हैं कि सुबह की जो धूप होती है वो आप लोगों ने बच्चे को लगवानी है। हम इसे माशाल्लाह 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 बाहर लेके गए, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे येलो सा थोड़ा सा खासा पाया है ना, जी इधर येलो, इधर से थोड़ा सा येलो हुआ, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेड गोलू मोलू सा। और वहां पे बहुत से लोग बोल रहे थे हॉस्पिटल में कि बेबी जो है वो तुम्हारी तरह है, और फिर कुछ लोग आए वो आके बोले खालिद की तरह, मतलब हमें समझ नहीं आता कि है, हम तो खुद कंफ्यूज कंफ्यूज हैं। हुआ मैं ना, मतलब नर्सेस जो भी हो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल आपकी ये तरह तो है, हमारे व्यूवर्स ही बताएंगे कि ये किस पे किसकी है। किसका है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों ने जैसे मना किया था कि 2-3 दिन तक फेस रिवील नहीं करना, तो कुछ दिनों में, लाइक तीन इंशाल्लाह 1-2 दिन में कर देंगे। 1-2 दिनों में हम कर लेंगे। बहुत से कमेंट्स आए थे आप पिछली क्या वीडियो में पता जाके, नेक्स्ट वीडियो में ही कर दें। हाँ लेट्स सी। आपको पता है हम हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, लटकाते नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा, आप लोग धूप भी में आधा देखेंगे घंटा तकरीबन रखा है रखा इसे। है, तो ये चीजें उसकी बिल्कुल गाल रेड रेड होकर, और अल्लाह पाक ने नवाजा है, अल्लाह की चीज है, और अल्लाह का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब बिल्कुल जितना अल्लाह शुक्र पाक की अदा चीज करें है। कम है। मतलब आधी रात को जब हमारी आंख खुलती है ना, हम तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारा कुछ बच्चा है, हमारा बिल्कुल, ये बच्चा है। कहते हैं ना कि अल्लाह का माल है, इनफ, ये काफी जी है। आपको मैं बता रही हूँ ना, रात को ऐसे मिड में होता है ना, आंख खुलती है ना, तो एकदम से अगर इसके हाथ ऐसे, इसकी आदत है यूं करके हाथ रखे होते हैं, यहाँ पे नजर पड़ती है तो बस इंसान खत्म ही हो जाता है, फिर मतलब उसके तो बाद आंखें बंद नहीं होती जी। बंद ही नहीं होती। आप यकीन जाने आधी आधी रात को हम इसे उठा के, मतलब जागता थोड़ा कम है, सोने पे इसने जोर ज्यादा रखा होता है, फीड वगैरह करेगा और फिर सो जाएगा। और नेम रिवील जहाँ तक है तो आप लोगों को बताते हैं हमने इसका क्या नाम डिसाइड किया है, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसा लगा। और खास हम नहीं आएंगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। चुप चुप के आजकल वो काम 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 असल काम, में काम काज करते हुए अपना होश ही नहीं है कि मतलब मैं ये खुद का नहीं कपड़े कि चेंज कर सारे सकूं। लाइक बाहर भाग दौड़ जो है ना वो इनकी इज्जत है, बाकी तो घर का तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर भी है, वो भी करके चली जाती है, और सिस्टर आती है खाना वगैरह जो भी होता है, चाय वगैरह वो जब सब कुछ गेस्ट कर आते हैं लेती वो है। कर लेती हैं। तो बस इनकी जो भाग दौड़ है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी बाहर के जो काम, अब आप लोगों को पता है गैस तो है नहीं, फिर सिलेंडर छोटा वाला फिल करवाया, मतलब बहुत भाग दौड़ है, आप लोगों को पता होगा हैं भी दो ही बंदे, तो कुछ न्यू बंदे इंक्लूड हुए मैं, लेकिन यार जब तक इंसान खुद काम ना करे उसे आराम नहीं आता। तो जी नेम रिवील करते हैं, आते हैं बेबी के नेम की तरफ, अपने चांद के नाम की तरफ। तो हम लोगों ने जो नाम डिसाइड किया है, लाइक कॉल, किसकी कॉल है? ठीक है।
करियो हुज देयर। करियो हम लोगों ने जो नेम डिसाइड किया है वो है मतलब खालिद को अली नाम बहुत पसंद था, जैसे आप लोगों को मैंने वीडियो में भी बताया था, ठीक है। और बेटी का हम लोगों को आयशा नाम बहुत ज़्यादा पसंद था, तो अली नाम उनको पसंद था, और मुझे जो नाम पसंद था वो क्या था, 1 2 3 अभी नहीं बताती, कर पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं आपको बेबी का नाम बताती हूँ, दे ठीक है। भाई कर दे। 1 2 3 4 मेरे जितने भी बहनें जिन्होंने 5 सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हाँ जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आपको इतने अनमोल गिफ्ट का नाम पता चलेगा। आपको मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में ना ये जाग नहीं रहा था, हम लोग थोड़े परेशान, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं जाग रहा, जब इसकी बार तो इसके बाद तो फीड भी बहुत कम करे। नर्स आई, मैंने उससे पूछा, इसने जब इसकी बर्थ हुई ना तब एक छींक मारी, फिर कमरे में आया दूसरी छींक, हालांकि तब मैं खुद थोड़ी सी ना होश में नहीं थी, इंजेक्शन का नशा वगैरह। मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा इसने 2 छींके मारी हैं, क्यों मारी? नर्स मुझे कहती है अल्लाह की बंदी वो छींके भी ना मारे, और उन्होंने ना इनको क्या किया, इसके पाँव को है ना हाँ साहब, ऐसे पाँव हाँ को ऐसे सीख के कहते हैं तुम सोए कहाँ हुए हो, तुम तो हमारे मेहमान हो, 12 साल छुपे रहे हो और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जब इसको पाँव के ऊपर ऐसे से किया ना, ये जोर जोर से रोने शुरू हो गया। तो मतलब इस अनमोल गिफ्ट का नाम सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार, हम लोगों की खुशियों में आप लोग शरीक हो रहे हैं, आप बहुत लोगों के बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है हाँ, और मतलब बहुत अच्छा और हमें लगता ये है, महसूस होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप लोग हौसला अफजाई करें अफजाई हमारे कर रहे काम। हैं। और अच्छा चले नाम बताते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा सब्र को अजमा, क्योंकि कल वाली वीडियो में सारे पूछे नाम बताएं नाम बताएं, तो इसका नाम जो है वो हम लोगों ने रखा है बासित अली, ठीक है। माशाल्लाह बासित जो नाम था वो मुझे पसंद था, और अली जो नाम था वो खालिद को पसंद था। अब हम लोग चाहते थे कि दोनों नाम कोई नाम ऐसा हो जो अटैच हो जाए, लाइक हमने हमने काफी मैचिंग की बासित को के अब्दुल साथ, बहुत बासित, मैसेज की मैचिंग की अली के साथ आगे पीछे बहुत मैचिंग की। तो फिर जाके एंड पे जो दोनों नाम जुड़े वो बासित अली, और बासित जो है आप सबको पता है अल्लाह के सफाती नामों में से है, और अली जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उनका नाम है। हमने इन दोनों नामों को जोड़ा, और ये हमने नाम बहुत पहले से डिसाइड किया अली हुआ है। शेरुल्ला, हाँ, और बासित का मेरी ना दिल से खुशाली ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे के नाम अली हो। अली हो, और जो बासित का मतलब है कुशादगी फराखी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये नाम बहुत पहले से रखा हुआ है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सीरियसली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब हम लोगों ने इसका ये नाम रखा, लाइक अगर मैं बताऊँ मेरे एटीएम का जो कोड है वो भी यही है, और मतलब बहुत सी चीज़ों में मैंने इसका नाम एंटर किया, आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि मैं खुद सोचती थी ये क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये जो नाम हम लोगों ने रखा है ना, ये है ही बरकत वाला नाम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बेटे का नाम है बासित बासित अली, अली, बासित अली नाम है, और आज के बाद आप लोग इसको बासित बी बासित ए कर, एस आई आई टी टी ए ए एल एल आई, आई बासित यही अली, स्पेलिंग है। हाँ BASITALI, बासित अली। और वो यार सो आप लोग एक्साइटेड, हमें कमेंट में बताएं कि ये नाम आपको को कैसा कैसा लगा, लगा। और आई होप आपको अच्छा लगेगा, और सोया हुआ आपको दिखा देंगे, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट, लाइक 2 डेज, 1 डेज, डेज नहीं 1 डे, ये भी नहीं फिर पता नेक्स्ट वीडियो में ही कर हाँ दें। कर दे। तो चाहते हैं आपसे इजाजत, आप लोगों के मतलब आप लोगों के कमेंट्स इंस्टा पे इधर उधर बहुत ज्यादा आ रहे थे कि आप लोगों ने वीडियो जरूर अपलोड करनी है, फेस दिखाएं, कुछ लोग कहते हैं अभी मत दिखाएं, कुछ लोग कहते हैं दिखाएं, मुझे पता है दोनों ही कॉन्शियस हैं, जो मना करते हैं वो हमारे फायदे के लिए कहते हैं, और जो देखना चाहते हैं उनको हमसे इतना प्यार है कि वो कह रहे हैं दिखाएं। तो इंशाल्लाह 2 3 या 1 2 दिनों में हम आपको हमारे साथ दिखाएं, आप लोग जुड़े रहिए, बहुत मजे मजे के इंटरेस्टिंग व्लॉग आने तीसरे वाले बंदे के साथ आने वाले हैं। लाइक हम 2 पूरे सालों में लगे रहे हैं, अब हमारा चांद का टोटा आ गया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वी आर सो एक्साइटेड, दुआ कीजिएगा कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, तमाम ठीक है, बहनों का फिर से एक बार दिल से से शुक्रिया, शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बताइएगा नाम कैसे लगा, और कमेंट में नाम आप लोगों ने लिखना है ताकि मुझे पता चले आप लोगों को पता है हमारे बेबी का नाम क्या है, ठीक है, आप लोगों ने नीचे राइट करना है कि हमने बेबी का नाम क्या रखा है। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।